खान स्पेशल में आपके साथ मैं फिर से हाजिर हूं। आज सुबह के अंधेरे में एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ कुलगाम साउथ कश्मीर में, और एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स के ट्रैप होने की खबर आई, जिन 3 मिलिटेंट्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसके साथ साथ 3 आर्मी के जवान भी वहां पर मौके पर जख्मी बताए गए थे। अभी कुछ देर पहले IGP कश्मीर ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया, एक प्रेस ब्रीफिंग दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक टॉप IED एक्सपर्ट और जैश मोहम्मद के एक टॉप कमांडर वलीद भाई भी वहाँ मारे गए हैं, जो एनकाउंटर्स में पिछली दफ़ा 4 बार जम्मू कश्मीर पुलिस और जो अन्य सेना के दल होते हैं जो वो कॉर्डन करते हैं, तो उन कॉर्डन्स में से भागने में कामयाब हो गया था। लास्ट टाइम जब वो वहाँ से कॉर्डन से भागे थे तो अपनी एक पिकअप मशीन गन छोड़कर स्पॉट पर वो भाग निकले थे। उसके बाद इनपुट्स के बाद साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया था आर्मी CRPF और जम्मू कश्मीर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा, और 3 मिलिटेंट्स को मारा गया है कुलगाम साउथ कश्मीर के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें लॉकडाउन की, लॉकडाउन एक कश्मीर के अंदर नज़र आ रहा है, जिस तरह से COVID-19 के केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं कंटिन्यूसली। कल भी लगभग 250 के आसपास केसेस श्रीनगर के अंदर पॉजिटिव हुए। जितने एफर्ट्स लॉकडाउन के लिए सरकार कर रही है, जितने एफर्ट्स लॉकडाउन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कर रही है, उसी के साथ साथ उतने ही एफर्ट्स लोग भी कर रहे हैं लॉकडाउन इस लॉकडाउन को अपोज किया जाए। आप देख सकते हैं कंप्लीट लॉकडाउन वाला एरिया है, दोनों एंड्स पर बैरिकेड्स होते हैं, दोनों एंड्स पर पुलिस खड़ी होती है, दोनों एंड्स पर जो CRPF के दल है वो खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं से ट्रैफिक का मूवमेंट है। लॉकडाउन गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, वो अपने घरों के अंदर होने चाहिए। कल भी हमने देखा किस तरह से 250 के आसपास केसेस पॉजिटिव आए, उससे एक दिन पहले 150 केसेस श्रीनगर के अंदर से पॉजिटिव आए। परसों हमने देखा किस तरह से 493 केसेस जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव आए, कल 490 केसेस पॉजिटिव आए, और आने वाले दिनों में डॉक्टर्स की अगर माने तो केसेस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, हालात और ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। तो लोग आखिर क्यों नहीं समझ रहे लॉकडाउन की इस अहमियत को, लोग घरों के अंदर बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये आज का बड़ा सवाल है जो आज हम काफ़ी सारे अन्य लोगों से भी पूछेंगे, ट्रेडर्स लीडर्स से भी पूछेंगे, जो अभी भी कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं कि कश्मीर के जो मार्केट्स हैं वो खुले जाने चाहिए, क्योंकि मार्केट्स का लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का दुकान बंद रहने से कोई लेना देना नहीं। ये सवाल कहीं ना कहीं अब सड़कों पर भी नजर आता है कि क्या लॉकडाउन सिर्फ दुकान वालों के लिए ही है, क्योंकि आप देख लीजिए अब जहां पर भी जाएंगे लॉकडाउन इन्फोर्स होगा तो सिर्फ दुकान वाले बंद, ये लोग रास्ते पर चल रहे हैं कोई मास्क में नहीं है, कोई भी व्यक्ति SOP को फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो लॉकडाउन अगर है, क्या वो लॉकडाउन सिर्फ दुकान वालों के लिए है, क्या वो लॉकडाउन सिर्फ ट्रांसपोर्ट वालों के लिए है, क्या लॉकडाउन उन लोगों के लिए नहीं है जिनको घर के अंदर बैठना चाहिए जो अननेसेसरी घरों से बाहर आ रहे हैं, क्या लॉकडाउन उन लोगों के लिए नहीं है जो इन वॉयलेशंस को कंटिन्यूसली कंडक्ट कर रहे हैं। आज के टेस्ट का इंतजार है, देखना है कि आज के दिन में कितने टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ा इंतजार श्रीनगर में आज के दिन में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी के प्रेस स्टेटमेंट का है। बताया गया था कि आज एक मीटिंग होगी ट्रेडर्स और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दरमियान, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि लॉकडाउन कितना इन्फोर्स रहेगा, लॉकडाउन कितना स्ट्रिक्ट रहेगा, क्या पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन में लॉकडाउन करके एक लॉक्ड अप डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया जाएगा या नहीं। क्योंकि 3 दिन पहले दिए गए एक स्टेटमेंट में शाहिद इकबाल चौधरी जी ने कहा था कि जो कंटेनमेंट जोन्स के बाहर एरियाज आते हैं वहाँ पर गाइडेड SOPs के साथ में जो मार्केट्स हैं उनको खोलने की परमिशन मिलेगी, उनको खोलने की इजाज़त मिलेगी। अब देखना यह है कि किस तरह से नई डेवलपमेंट्स आती हैं, क्या श्रीनगर को दोबारा, और अगर हम लोग पहले टॉपिक पर वापस जाएं हैं एक एनकाउंटर में, और उसके साथ साथ IGP कश्मीर ने यह भी कहा है कि हमारे जो फोर्सेस हैं वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं नॉर्थ कश्मीर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्थ कश्मीर के अंदर जितने भी मिलिटेंट प्रेजेंस हैं उनको मारने की उनको एलिमिनेट करने का पूरा प्रयास जो है वो फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। उसके साथ उन्होंने कहा कि हमने एक 12 लिस्ट जारी किया था, 12 नाम का लिस्ट, जो टॉप IED एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो टॉप मिलिटेंट्स हैं लोकल उनका एक 12 का लिस्ट हमने जारी किया था, जिस लिस्ट का एलिमिनेशन हमने शुरू किया है, और उसमें से अभी 2 मिलिटेंट्स जो है वो मारे गए हैं, एक पिछले एनकाउंटर में मारे गए थे और एक आज के एनकाउंटर में वलीद बाबा जो पाकिस्तान बेस्ड IED एक्सपर्ट हैं जो पिछले 1.5 साल से कश्मीर के अंदर एक्टिव थे। फिलहाल अमजद खान की तरफ से ये अपडेट आप लोगों तक पहुंची है, आगे भी और अपडेट्स लेकर आपके साथ में जरूर जुड़ेंगे। रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।